जैन मेडिकल्स, क्या आपके पास प्रेगनेंसी किट अवेलेबल है? ठीक है, अब मेरे लिए एक... नहीं, मैं किट यहाँ नहीं मंगवा सकती, किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपकी शॉप कितने बजे तक ओपन है? अच्छा, 24 आवर्स है। अब ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगी लेने के लिए। थैंक यू। सर, ईशानी कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में होगी, मैं देख के आता हूँ। ईशानी, तो तुम अब भी चिराग से प्यार करती हो? What? ये तुम क्या बोल रहे हो? भाई, जो चिराग तुमसे कह रहा था। शानी, वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? इतनी देर क्यों लगा दी? सर, वो एक्चुअली फाइल्स लाए। जी सारी है? जी। और मेरे साथ जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी ना ही तुम मुझे जानती हो और ना ही उस चिराग को। तुमसे सवाल जवाब करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे बारे में तो पता नहीं, लेकिन उस चिराग को अच्छे से जानती हूँ मैं। एक नंबर का चीटर और कैरेक्टरलेस है वो, जिसे तुम आज तक नहीं समझ पाई हो। और ये भी नहीं समझ पाई कि प्यार तुमसे चिराग नहीं हार भी करता है। जिसका मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे सही और गलत की पहचान करना सिखाओगे। अगर सही और गलत की पहचान होती तो उस चिराग से चोरी छुपे नहीं मिलती। आरवी के प्यार का नहीं तो उसके एहसान का लिहाज करो। चिराग ने तुम्हें धोखा दिया और अब तुम उससे मिलके आरवी को धोखा दे रही हो। मैं किसी को कोई धोखा नहीं दे रही हूं। माना कि मैं रणवीर से प्यार नहीं करती, लेकिन शादी के पूरे फर्ज निभा रही। माना कि मेरे परिवार ने मुझे दहेज के साथ नहीं भेजा, लेकिन संस्कार में कोई कमी नहीं रखी। मैं अपना कर्म और पतिव्रता धर्म अच्छे से जानती हूं। शानी, पतिव्रता धर्म पति से जुड़ा होता है, लेकिन अगर मन में पति के लिए प्यार ही ना हो तो इस धर्म को मन से कैसे निभाओगी तुम? ईशानी, तुम आरवी से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन उसके प्यार को समझ तो सकती हो, उसकी रिस्पेक्ट तो कर सकती हो। आई जस्ट होप कि आरवी की पहनाई हुई रिंग तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स जगा सके। ये रिंग तो मैंने शानी को बनाई थी। आज तुम जब ये रिंग ईशानी को पहनाओगे तो तुम्हारे दिल की कोई भी ख्वाहिश या कोई भी दुआ इस रिंग के थ्रू ईशानी के दिल तक चली जाएगी। कहीं ईशानी ने सब निकाल के फेंक तो नहीं दिया? हो सकता है रिंग उसके नाप की ना हो।
इसीलिए फिसल के गिर गई, लेकिन जिस दिन वो खुद इसे पहनने के लिए ढूंढेगी ना, उस दिन ये रिंग उसे अपने आप फिट हो जाएगी। संभाल के किधर जा रही हो तुम, और तुम कहाँ थी? वो मैं यहाँ, जो तुमने वो वहाँ। क्या मैं यहाँ वो यहाँ? मुझे लगता है मुझे तुम्हारे नए स्टाइल से ना यूज़ होना पड़ेगा। शर्मिली, जो तुमने मुझे सबके सामने, मैंने तुम्हें सबके सामने, शर्मिली तुम क्या बोले जा रही हो? देखो ये मजाक करने का वक्त नहीं, ओके? नीचे रिसेप्शन चल रहा है, चलो जल्दी। वो मेरी पता नहीं कहाँ गई। क्या रिंग? हाँ, जो तुमने मुझे सबके सामने दी थी। इसका मतलब तुमने वो रिंग घुमा दी? शानी तुम, मैंने जानबूझ के नहीं घुमाई। मेरी उंगली में ही तो थी जब मैं कमरे में आई थी, लेकिन जब अब मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। उस रिंग के लिए तुम्हारी इस घबराहट को देख के इतना मजा आ रहा है कि रिंग देने का मन ही नहीं कर रहा। तुम वो खड़े स्माइल कर रहे हो, मेरी हेल्प नहीं कर सकते? तुम मुझसे बात कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे भूत से बात कर रही हो। तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है यहाँ पे? तुम हो ना, कई लोग अपने आप से बात करते हैं, so I thought... तुम ये प्लीज अभी मजाक मत करो। एक तो मैं वैसे इतनी टेंशन में हूँ, और तुम प्लीज मेरी हेल्प करो ना, प्लीज। प्लीज बोल दिया तो फिर तो हेल्प करनी पड़ेगी, ओके? माइट एज वेल, बनता है। मिली? अब नहीं, मुझे लगता है कि क्या लगता है, छोड़ो ना, रहने दो, क्या करना है वैसे भी। एनीवेज टेल मी हाउ इज लाइफ। शर्मी बता रहे हो यार? देखो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो रिंग तुम्हारे साइज की नहीं हो, इसलिए तुम्हारी उंगली से फिसल के गिर गई। शर्मी तुम अपना दिमाग कम और ध्यान ज्यादा लगाओ, प्लीज सीट से ढूंढो। अगर ध्यान तुमने लगाया होता ना तो रिंग खोती नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बात माँ को पता चल गई तो। सो क्या हुआ, रिंग खोई थोड़ी ना, बस गिर गई है, अभी मिल जाएगी, तुम ढूंढो। लेकिन फिर भी नहीं मिली तो? तुम अच्छा नहीं सोच सकते हो, और जिस जुबान से अगर तुम हाथ पैर चलाओगे ना तो रिंग जल्दी मिल जाएगी। अब प्लीज ढूंढो, प्लीज भगवान रिंग जल्दी से ढूंढो आ दो। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तो रिंग पे जो लगे बर्ड्स हैं वाकई में उड़ते थोड़ी ना, जो रिंग को कहीं उड़ा ले जाएंगे, होगी यही कहीं। तो जा, जा, जल्दी नीचे चलिए। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सर वो जवेरी सर कह रहे हैं कि कंपनी में कुछ घपला हुआ है। What? हाँ सर, और उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को नीचे खड़ा करके रखा है, आप प्लीज जल्दी नीचे चलिए। जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि कंपनी में घपला किसने किया है, तब तक यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। ओह नो, मुझे तो मेडिकल स्टोर जाना था, अब कैसे जाऊंगी? क्या हुआ सर, ये सब क्या हो रहा है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम्हारे होते हुए मेरी कंपनी में क्या हो रहा है। पिछले दो हफ्तों से रोज
पांच पांच लाख का घपला हो रहा है। आज यहाँ कंपनी का हर मेजर एम्प्लॉय मौजूद है, इसलिए जब तक चोर पकड़ा न जाए कोई बाहर नहीं जाएगा। सर आज मेरी शादी की रिसेप्शन की पार्टी है और ये सारे मेरे गेस्ट हैं, इन्हें यूं चोरों की तरह रुका के रखना, ये इंक्वायरी हम कल भी कर सकते हैं। मैं जानता ये तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है, लेकिन जिस आदमी ने इस कंपनी में फ्रॉड किया है वो आदमी अगर बाहर चला गया और बाहर जाकर भाग गया तो ये बात प्रेस तक न पहुंचे, इसलिए इस बात को मैं कल तक टाल नहीं सकता। जिस प्रोजेक्ट के पैसों का घपला हुआ है मैंने उस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स यहां मंगवा ली है, और सारी फाइल्स को चेक करने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि पिछले 15 दिनों से कंपनी में लाखों का घपला हुआ है। ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे स्टाफ की बहुत फिक्र करते हो, बट दिस टाइम वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। कितने का फ्रॉड हुआ? इस प्रोजेक्ट का अकाउंट ऋषि हैंडल करता है। ऋषि बताओ इसे। सर 50 लाख रुपए का डिफरेंस है अकाउंट्स में। ये फ्रॉड किसने किया है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अकाउंट्स में और भी बहुत सारे लोग हैं। और कौन कौन है अकाउंट डिपार्टमेंट में? सर मनोज जैन, नरेश गोयल, संजय सांघवी और शर्मन पारिक। शर्मन पारिक? भैया आपने रणवीर की कंपनी कब ज्वाइन की? ईशानी चुप हो जा, जो पूछना है बाद में पूछना। पर माँ, ऋषि तुम तो इस प्रोजेक्ट के हेड हो, तो तुम्हारे होते हुए ये घपला कैसे हो गया? सर आई रियली डोंट नो, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसे मैं गलत कह सकूं। लेकिन सर पिछले 15 दिनों से अकाउंट की सारी एंट्रीज शर्मन ही संभाल रहा है। शर्मन? जी सर, वो आरबी सर की फैमिली से है तो मैंने कभी उन्हें क्रॉस चेक नहीं किया सर। तुम कहना क्या चाह रहे हो? चोरी मैंने की है? नहीं शर्मन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे तो तुम्हारी कैलकुलेशंस पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने कभी क्रॉस चेक नहीं किया। मैं तुम्हारे काम पे डाउट नहीं कर रहा, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा। मुझे शर्मन की एंट्रीज चेक करनी है। चोर कितनी भी होशियारी क्यों ना दिखाए, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। आधी से ज्यादा एंट्री फेक है। एंट्री फेक है? ये कैसे हो गया? सॉरी सर, लेकिन शर्मन बहुत ही ऑनेस्ट है और वो ईशानी का भाई है, वो ऐसा काम क्यों करेगा सर? वो ईशानी का भाई है इसलिए वही ये काम कर सकता है, ताकि इस पर कोई शक न कर सके। देखिए ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। गलती मुझसे नहीं तुमसे हुई है। अकाउंट्स में ओवरराइटिंग साफ दिखाई दे रही है, तुमने ही कंपनी में 50 लाख का घपला किया है। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। My science is not like that, sir. उसको falsely फंसाया जा रहा है।
शर्मा ने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो ये चोरी कर ही नहीं सकता। जानता है छवीदी, ये किसका भतीजा है? मेरे बेटे हर्षद पारेख का, जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती है। उस परिवार का कोई भी शख्स ऐसी चोरी कर सकता है क्या? दुख और हैरत तो मुझे भी है बा, मगर ये मैं नहीं, फाइल्स बोल रही है। ये चोरी शर्मन ने की है। ईमानदारी तो हम भी मानते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके जाने के बाद पारेख परिवार की क्या हालत हुई है वो तो किसी से नहीं छिपी। और जब गरीबी घर में आती है ना, तो ईमानदारी खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। इसीलिए कहती हूं झवेरी साहब, चोरी इस शर्मन ने ही की होगी। माँ, रणवीर तू बहुत भोल है। हाँ, इन लोगों को समझता नहीं है तू। जो पैसा, जो नाम तूने इतनी मेहनत से कमाया है ना, ये लोग शॉर्टकट से कमाना चाहते हैं। और शॉर्टकट हमेशा बुराई का ही रास्ता दिखाता है। मुझे शक ही नहीं है मेरी साहब, पूरा यकीन है कि चोरी इसी ने की। मैं तो कहती हूँ कपड़े उतरवाइए इसके। मोड़ी रे अम्बा, तू मेरे पोते की तलाशी लेगी, उसके कपड़े उतरवाएगी? क्यों? अगर तू मेरे बेटे के कपड़े उतरवा सकती है तो मैं क्यों नहीं? और ये तेरा ही कायदा है कि इस घर में अगर चोरी होगी तो चोर उसी वक्त सबके सामने आना चाहिए। रणवीर तू भूल गया? हाँ, देखा तू कैसे भूल गया? इनके घर में कंगन चोरी हुआ था तो तेरे कपड़े उतार के किस तरह तलाशी ली थी इन्होंने? भूल गया तू सब? और यहां तो बात 50 लाख की है। और पता नहीं चोरी सिर्फ कंपनी में ही हुई है या घर में भी हो रही है। इसलिए तलाशी लेंगे तभी सच सामने आए। माँ, ये मेरे ऑफिस का मामला, मैं इसे संभाल लूंगा, ठीक है? रणवीर, दिख रहा मैं तेरी ही मदद कर रही हूँ ना? मैं सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं और इन्हीं के सामने तो हमारे घर की बेइज्जती करेगी। अच्छा भले, ठीक है, अब तू कह रहा है तो तलाशी नहीं लेंगे, लेकिन इंसाफ तो होगा ना? देख बेटा, बात अब इज्जत पे आ गई है। हमारे बारे में नहीं तो अपनी बहन के बारे में सोच के तू सच सच बता दे। ये तो क्या है ने? पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और फिर पुलिस आएगी तो क्या करेगी वो तो तुम सब लोग जानते हो। देखिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झवेरी साहब, आप पुलिस को बुला लीजिए, अब वही करेगी फैसला। इनफ इज इनफ मां, मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे ऑफिस का मामला है, मैं इसे संभाल लूंगा, फिर तू क्यों इसमें पड़ रही है? रणवीर, क्योंकि मैं तुझे बर्बाद होते नहीं देख सकती। इनकी इज्जत बचाने के लिए तू ले आया ना इन्हें? देख अब कैसे तेरी इज्जत नीलाम कर रही है लोग, देख। जो पैसा तूने अपने खून पसीने से कमाया है ना, ये लोग लूटने पे तुले हुए हैं। और दिख रहा तुझे अब अपनी माँ पे भी भरोसा नहीं रहा? भरोसा है माँ, मुझे भरोसा है, लेकिन मैं हवा में फैसला तो नहीं ले सकता ना। देख माँ, तू ऐसे चली जा, ये मेरे ऑफिस का मामला है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा। प्लीज, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तू अपने रूम में जा। मासी,
चलो तुम्हारी मां सही कह रही है आरवी, अब ये मैटर पुलिस का है। आई विल कॉल द कॉप्स नाउ।